अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अब स्कूल खुलने वाले हैं, सो हमने भी सोचा कि आज हम बच्चों की शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं स्कूल के लिए। मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाता है, छोटा बेटा स्कूल नहीं जाता, तो हमने सोचा कि जल्दी से यूनिफॉर्म वगैरह ले लेते हैं। मैं हमेशा यूनिफॉर्म मेटालैंड से लेती हूँ, तो आप ही चलिए मेरे साथ मेटालैंड में। जो यहाँ पर रहते होंगे वो तो जानते ही होंगे कि मेटालैंड एक शॉप है जहाँ पर कपड़े और घर की सामान वगैरह मिलता है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ कि यहाँ पर यूनिफॉर्म, बच्चों के कपड़े, घर का सामान और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो चलिए मेरे साथ अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शॉप में भी बहुत सारी सेल लगी है। कोविड की वजह से यहाँ बहुत सारी शॉप्स में सेल थी, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था जहाँ मैंने अपनी प्राइमार्क और फोर्ट की शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सेल में थी। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, पर सबसे पहले हम जाते हैं यूनिफॉर्म के सेक्शन में, क्योंकि हमें सबसे पहले यूनिफॉर्म लेना है। बिकॉज हम थोड़े से लेट हो गए थे, हम श्योर नहीं थे कि बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है या नहीं, सो हमने यूनिफॉर्म लास्ट मिनट पर बाय किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी थी। समटाइम हमें साइज़ वगैरह नहीं मिलते, लेकिन उस वक्त सब कुछ अवेलेबल था और हमें हर चीज़ मिल गई साइज़ के हिसाब से। सो सबसे पहले हम शर्ट देख रहे थे और शर्ट हमने ले लिया। अब हमने ट्राउज़र भी ले ली है, अब हम जा रहे हैं शूज़ की तरफ। सो जल्दी से हमें पी के शूज़ मिल जाए, फिर हम जाते हैं दूसरी तरफ। तो बस सारी शॉपिंग हो गई है बच्चों की डन, और अब मैं आ गई हूँ लेडीज़ सेक्शन में, और यहाँ पर काफ़ी सेल थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। साथ ही मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा सा मेटालैंड घुमा लेती हूँ, तो आप भी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। अगर आप यहाँ रहते हो तो आप भी ज़रूर आइएगा, आपको भी अच्छी सेल में चीज़ें मिल जाने वाली है। सो चलिए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। लेडीज़ सेक्शन फिनिश हो चुका है और अब आगे है जेंट्स का सेक्शन, और यहाँ पर भी अच्छी खासी सेल थी। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने फेवरेट सेक्शन में, जो काफ़ी वुमेन का फेवरेट होता है, जो है घर के सामान का सेक्शन, जहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाथरूम की चीज़ें हैं, घर के बर्तन वगैरह है, और डेकोरेशन का भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। घर के सामान में भी काफ़ी अच्छी सेल थी, ज़्यादातर चीज़ों पे 50% 30% ऑफ था, तो हमें भी घर के लिए कुछ चीज़ें मिली और बहुत ही अच्छी मिली, तो हमने वो भी बाय की है। शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है, हमें बहुत सारी चीज़ें सेल में मिल चुकी है, और मैं आपको घर जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं टिल पर जाने के लिए। जब हम शॉपिंग कर बाहर निकले तो बाहर का वेदर बहुत ही ख़राब हो रखा था। बाहर ज़ोरों में हवाएं चल रही थी और बादल भी काफ़ी छाए हुए थे, लगता था बहुत ज़ोरों में बारिश होगी। तो हमने सोचा कि जल्दी से शॉपिंग गाड़ी में रखते हैं और जल्दी से निकलते हैं। शॉपिंग फिनिश करने के बाद अब हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो हमने सोचा कि आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा घूम भी लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर का वेदर बहुत ही ख़राब हो रखा है, ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़ोरों में हिल रहे हैं, और हमने डिसाइड किया था कि हम जाएँगे मैकडोनल्ड्स मकफ्लरी खाने के लिए, लेकिन हमने प्लान चेंज कर लिया है। ऐसे वेदर में ठंडा खाने का मन नहीं करता, समटाइम हम चाहते हैं कि हम कुछ गर्मा गर्म खाएं, तो हमने मकफ्लरी नहीं खाए और हम निकल चुके हैं वहाँ से, और हम जा रहे हैं कोई और शॉप पर कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए। तो बस
कुछ गर्मा गर्म खाने की तलाश पूरी हुई, हम आ गए हैं डिक्सी पर। यहाँ पर चिकन नगेट्स और चिकन स्ट्रिप्स बहुत ही टेस्टी मिलती है, तो हमने सोचा कि हम यहीं से कुछ ले लेते हैं। तो अंदर गए हैं आदम और उसके डैड, और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा भी सो चुका है। सो मैं वेट कर रही हूँ, जब लोग खाना लेकर आएंगे तो अब चलेंगे। अभी हमारी शॉपिंग थोड़ी सी बाकी थी, हमें आदम का लंच बॉक्स भी लेना था। सो हमने पहले डिसाइड किया कि हम पहले खाना खाएंगे फिर आदम का लंच बॉक्स लेने जाएंगे। तो अभी हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम बैठकर आराम से खा भी सके और इतने अच्छे वेदर को इंजॉय भी कर सके। तो हस्बैंड हमें लेकर आए थे इतनी ब्यूटीफुल जगह जहां पर ग्रीनरी थी, डक्स थी, पानी था और बहुत ही अच्छा वेदर था। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया होगा या ऐसे वेदर को इंजॉय नहीं किया होगा। ये मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सो आदम उसका खाना इंजॉय कर रहा है, उसे चिकन नगेट्स बहुत पसंद है, तो उसने लिया था चिकन नगेट्स और हमने ली थी चिकन स्ट्रिप्स विथ फ्राइज़। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं। आप भी आए और हमारे साथ इंजॉय करें इतना टेस्टी खाना और इतना खूबसूरत वेदर। और अब यहाँ ज़ोरों में बारिश भी शुरू हो चुकी थी और आप देख ही सकते हैं कि सामने कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, इतनी खूबसूरत जगह पर बैठकर गर्मा गर्म खाने को एंजॉय करना मैं हमेशा याद रखूंगी। और अब हम जा रहे हैं वन स्टॉप क्योंकि हमारी शॉपिंग अभी थोड़ी सी बाकी है, तो चलिए मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं वन स्टॉप और हम जा रहे हैं एजदा में क्योंकि हमें घर का भी कुछ सामान लेना था और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी आदम का लंच बॉक्स। अब आदम लंच बॉक्स लेकर जाएगा, सो उसके लिए एक अच्छा सा लंच बॉक्स ढूँढ रहे हैं। और यहाँ पर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन दूसरी शॉप से हमें मिल गया था। तो बस लंच बॉक्स मिल गया है, अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और आज का दिन हमने इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको घर जाकर हमने जो शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा प्लीज़। हम घर पहुँच चुके हैं, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। तो सबसे पहले है ये आदम का स्कूल का शर्ट और साथ ही उसकी हमने ले ली थी ब्लैक कलर की ट्राउज़र्स जो स्कूल में यूज़ होती है, और जंपर वगैरह वो स्कूल से ही लेना पड़ता है। लेकिन साथ ही हमने लिया था पी के शूज़ जो पम्प्स कहते हैं यहाँ पर, वो स्कूल के शूज़ आदम के पास ऑलरेडी थे तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये पम्प्स लेने ज़रूरी थी, वो उसके पास नहीं थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसका लंच बॉक्स, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे स्कूल की शॉपिंग करने में, तो कोई अच्छे लंच बॉक्स हमें मिले ही नहीं, तो हमें लास्ट और फाइनली ये मिला। और आदम को ये पसंद भी है, अवेंजर्स का कैरेक्टर है हल्क, तो हमने यही ले लिया। और साथ ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ें। अगर मैं शॉप में जाऊँ और सेल हो और मैं कुछ बाय ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे मिल गई थी ये टर्कवाइज कलर की टी शर्ट और साथ ही मुझे मिले थे ये शूज़, बूट्स कहते हैं यहाँ पर, जो सर्दियों में काफ़ी काम आते हैं, और ये ब्राउन कलर के थे और इसकी प्राइस थी 10 पाउंड और मुझे मिले थे सिर्फ 4 पाउंड में, और ये बहुत ही अच्छा बार्गिन था। और साथ ही मैंने ले लिया था अपने लिए एक छोटा सा बैग और ये बहुत ही खूबसूरत था, ये क्रोशे से बना हुआ था। और सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें लगी हुई थी इसकी की रिंग, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो ये भी मैंने एक बाय किया था अपने लिए। और ये भी मुझे सेल में ही मिला था, इसकी एक्चुअल प्राइस थी 8 पाउंड और मुझे मिला सिर्फ 3 पाउंड में। सो मैंने ये भी बाय किया और साथ ही मैंने बाय की थी ये मस्टर्ड येलो कलर की ट्राउज़र, ये भी बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र थी और इसमें छोटे छोटे कट्स बने हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी थी। सो मैंने ये बाय की थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक 16 पाउंड, लेकिन ये मुझे हाफ प्राइस में मिली थी सिर्फ 8 पाउंड में। और यहाँ है दूसरी ट्राउज़र जिसका कलर था टर्कवाइज और ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, सो मैंने ये भी बाय की थी और ये भी बहुत ही अच्छे बार्गेन में मिली थी। इसकी प्राइस थी ओरिजिनली 1250, लेकिन ये भी मुझे हाफ़ प्राइस 625 में मिली थी, सो ये भी मैंने बाय किया।
और मुझे मिला एक वाइट कार्डिगन। मेरे पास वाइट कार्डिगन नहीं था सो मैंने ये ले लिया था अपने लिए, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिला था। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1250 और मुझे ये भी हाफ प्राइस में मिला था, जो मुझे मिला था 6 pounds में, तो ये भी काफ़ी अच्छा बार्गेन था। और हमने घर के लिए बाय किए थे ये न्यू कुशंस, जो बहुत ही अच्छे थे, और हमने ये 4 बाय किए थे क्योंकि हमें 4 की ज़रूरत थी, और इसकी भी प्राइस बहुत ही अच्छी मिली। ये 10 pounds के थे लेकिन हमें मिले सिर्फ 450 में। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, और मज़ा भी बहुत आया। सो, आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। आई होप कि आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहें, बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।